मतलब मोर देन व्हाट इज नीडेड मोर देन व्हाट इज नीडेड जितना चाहिए उससे और अधिक और एनफ हो गया एडवर्ब में बहुत काफी जितना चाहिए उतना और एडजेक्टिव में हो जाएगा काफी या पर्याप्त मतलब सफिसियंट एज मच एज नीडेड सफिसियंट पर्याप्त हो गया और जितना चाहिए उतना तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है टू प्लस एडजेक्टिव टू को एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है जैसे कि दिस टी इज टू हॉट आई कैन टेक इट तो यहां देखिए टू हो गया एडवर्ब और एजेक्टिव हो गया हॉट तो इज टू हॉट यह चाय बहुत गर्म है मैं इसे नहीं पी सकता हूं फिर उसके बाद देखिए टू प्लस एडवर्ब टू के साथ एडवर्ब का यूज होता है ही ड्राइव्स टू फास्ट इट्स डेंजरस टू वह बहुत तेज हाँकता है मतलब गाड़ी चलाता है यह खतरनाक है तो टू फास्ट तो एडवर्ब क्या करता है एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बतलाता है मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है तो यहाँ पर टू जो है दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है फास्ट के पहले टू आया है मतलब टू फास्ट फास्ट जितना है उससे भी ज्यादा तेज उसके बाद देखिए टू प्लस मच प्लस नाउन मतलब तीसरा स्ट्रक्चर में हो गया टू का प्रयोग होता है टू का यूज होता है मच के साथ और उसके बाद नाउन होता है जैसे यहां देखिए दिस फूड इज वेरी स्वीट इट हैज टू मच सुगर तो यहां हो गया टू मच और नाउन हो गया सुगर दिस फूड इज वेरी स्वीट यह भोजन या खाना बहुत ही मीठा है इसमें बहुत ज्यादा शुगर है चीनी है टू प्लस मेनी प्लस नाउन मतलब टू के बाद मेनी यूज होगा उसके बाद नाउन आएगा जैसे यहाँ देखिए द क्लास हैज टू मेनी स्टूडेंट्स यहाँ हो गया टू और नाउन हो गया स्टूडेंट्स इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सम ऑफ देम डोंट हैव डेस्क कुछ के पास डेस्क नहीं है मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना डेस्क के ही बैठे हुए हैं तो इस तरह से टू का यूज हो गया चार स्ट्रक्चर में मैंने यहां बताया है टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस एडवर्ब प्लस मच प्लस नाउन टू प्लस मेनी प्लस नाउन फिर उसके बाद एन एफ का देखिए एनएफ का अर्थ हो गया सफिसियंट एज मच एज नीडेड पर्याप्त है जितना चाहिए उतना तो इसका स्ट्रक्चर हो गया एज एजेक्टिव प्लस एन एफ ही सेल्फ सेल्फ तक पहुंचने के लिए उसकी लंबाई पर्याप्त है तो यहाँ क्या हो गया टॉल एन एफ टॉल हो गया एजेक्टिव एन ऑफ हो गया उसके बाद एन एफ प्लस नाउन एन एफ के साथ नाउन का यूज होता है जैसे ही हैज़ एनफ मनी टू बाय अ न्यू टॉय उसके पास पर्याप्त पैसे हैं नए टॉय खरीदने के लिए तो एनफ हो गया अ नाउन हो गया मनी एनफ मनी हो गया फिर उसके बाद देखिए एडवाब प्लस एनफ ऑफ के साथ एनफ का यूज होता है जैसे सी इज अ फास्ट रनर एन आई एम टू वह बहुत ही तेज धावक है और मैं भी फास्ट एनफ टू तो रन विद हर मैं उसके साथ दौड़ने के लिए काफी तेज हूँ तो इस तरह से देखिए एनफ का स्ट्रक्चर हो गया एजेक्टिव प्लस एनफ एनआफ प्लस नाउन एडवा प्लस enough. तो इस तरह से, से आप लोगों ने टू और एन का यूज़ कहाँ होता है उसकी जानकारी ले लिया टू और एन एफ का जो स्ट्रक्चर बताया गया है उस स्ट्रक्चर को आप समझिए सेंटेंस को भी समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूँ यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और आई बटन पर दिए गए लिंक से आप प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं मैं इस तरह कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूँ इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच हैव एन नैस्ट डे एन नैस्ट ड्रीम थैंक यू